हेलो फ्रेंड्स, दिख रहा है ना, बहुत ही टेस्टी सब्जी दिख रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप। और आप घर में बना सकते हैं ये सब्जी को बहुत ही इजी तरीके से। रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बनाने का तरीका बहुत ही हट करके है। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो चैनल पर नए हैं। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये नारियल है, ये जो नारियल है मैंने आधा लिया है, इसका पीछे का छिलका मैंने उतार दिया है। एक बड़ा प्याज लिया है, इसे रफली चॉप कर दिया है। ये खसखस है, इसे मैं भिजा दी थी 2 घंटा, 2 चम्मच पोस्तों को भिजा दी थी। और वो गोटा धनिया है, और ये मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है। काजू लिया है 10, और थोड़ा सा अदरक लिया है, और 3 सूखी मिर्च ली है। अब सभी को हम भूनेंगे। मैं पैन में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद हम प्याज डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद मैं जो सूखा मसाला था, मैंने जो बताया था, वो सब डाल देंगे। धनिया, पोस्तों, काजू सब डाल देंगे हम इसमें। देखिए, मैं सब एक एक करके सभी मसाले डाल दे रही हूँ इसमें, और हम इसे ड्राई रोस्ट करके पीसेंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखिएगा, ताकि हमारा मसाला धीरे धीरे अच्छी तरह भून सके। तेज करने से मसाला फिर जल जाएगा, क्योंकि हमने पानी तो डाला नहीं इसमें, तो सभी सूखे मसाले हैं। तो धीरे धीरे हम इसे भूनते रहेंगे, भूनने के बाद ही हम इसे ठंडा होने के बाद पीसेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का, सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हम इसे धीमे धीमे भूनेंगे, इसीलिए आप ढक्कन लगा के भी हल्का सा आप इसे प्याज को सॉफ्ट कर सकते हैं। देखिए, नारियल जो मैंने बताया था, उसका हम दूध निकाल लेंगे, पीस करके पानी डाल कर दूध निकाल लीजिएगा। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब हम एक पैन लेंगे, और उसमें 2 चम्मच तेल डाल करके हम आलू भून लेंगे। मैंने आलू बॉईल करके रखा है, देखिए 2 टुकड़ों में काटा हुआ आलू है, हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनने से आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, यहाँ हम इसे पीस लेते हैं। मिक्सर में डाल के थोड़ा पानी डाल के आप पीस लीजिएगा इसे। अब देखिए, गैस को बंद कर दिया है मैंने, फ्लेम को, और मैं इसे दही डाल रही हूँ। आप चाहे तो आलू को निकालने के बाद, दूसरे बर्तन में निकालने के बाद भी दही डाल सकते हैं, पर आप गैस से हटा के डालिएगा। मैं गैस को बंद कर दी हूँ, और आलू मेरा भुन गया है। मैंने आलू तला नहीं है, 2 चम्मच तेल में भुना है। देखिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, 4 चम्मच तेल डाला है। डालने के बाद हम इसमें सूखा तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमें थोड़ा सा डालना है हल्दी पाउडर। और डालने के बाद जो मसाला हमने पीसा था, वो मसाला हम डाल देंगे। डाल करके हम मसाला को अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को एकदम कम रखिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब हम इसे भूनना है मसाला को, और जो मसाला का थोड़ा सा पेस्ट था, वो भी हमने धो लिया, धो करके पानी डाल दिया। देखिए, थोड़ा पानी डाल दिया ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन सके। भुनने में हमें बहुत टाइम लगेगा मसाला, तो हमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, हम ऐसे भूनेंगे मसाला को धीमी आँच पर। हम इसे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा मसाला भूनने लग गया है, देखिए बॉईल आने लग गया है, पर अभी सिका नहीं है। अभी तो ढक्कन लगा के पकाएंगे। ढक्कन लगाने के बाद 10 मिनट बाद देखिए, हम देखेंगे मसाला को थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लग गया है, हल्का हल्का सीख रहा है हमारा मसाला। मसाला भूनने लग गया है, थोड़ा सा टाइम लगता है मसाला भूनने में। देखिए, अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। जो घर में जो क्रीम आता है वो नहीं है, तो आप बाज़ार की भी क्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास घर में फ्रेश क्रीम था, तो मैंने वही क्रीम डाल दिया है, और अच्छी तरह से मिलाएंगे। मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन जाएगा क्रीम मिलाने के बाद, और मसाला है जो तेल छोड़ने लग जाए, तब हम समझेंगे मसाला हमारा भुन गया है। हम इसे ढक देंगे 4-5 मिनट बाद। देखिए, हमने खोल लिया, हमारा ऑयल छोड़ने लग गया मसाला। देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। भुनने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद देखिए, हम अच्छी तरह से उसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम इसमें नारियल का दूध जो हमने निकाला था, छान करके हम इसमें डाल देंगे। अब छान लीजिएगा, ज़रूर छान करके डाल दीजिएगा। डालने के बाद हम इसे बस अब थोड़ा सा, ये हमारा
बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे ताकि नारियल का दूध अच्छी तरह से पक जाए। मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये जल्दी से बॉयल आ जाए इसमें। और बॉयल देखिए आ गया है, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। बस हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालने से सब्जी में एक अलग सा ही फ्लेवर आता है और सेंट आता है। 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है और मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने खड़ा गरम मसाला नहीं लिया था। और मैं चीनी डाल रही, चीनी से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है सब्जी का। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। मैंने दही डाला था इस कारण मैंने नींबू नहीं डाला। नींबू से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए थोड़ा सा मैं कलर करने के लिए 2 चम्मच घी लूँगी गरम करके। मैं इसमें कसूरी मिर्च जो आता है ना, बिना झाल वाली मिर्ची, सिर्फ कलर के लिए। तो बस मैं जले नहीं मसाला, आप ध्यान रखिएगा। घी हल्का सा गर्म करके उसमें मिर्ची डाल दूंगी और डालने के बाद बस हम संग संग मसाला को सब्जी में डाल देंगे। देखिए ये डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब 2 से 3 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा गैस की फ्लेम को कम करके। देखिएगा मसाला अपने आप मिल जाएगा, मिर्ची अपने आप मिल जाएगी सब्जी में, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो हमारी सब्जी अब रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए हमारा कलर इतना अच्छा आ गया सब्जी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप सब्जी है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और आप यदि किसी गेस्ट को खिलाएंगे तो वो तारीफ़ करते नहीं थकेंगे आपकी सब्जी का। तो अब प्लेटिंग की बारी है, देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यूनिक सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स ये सब्जी पसंद आई तो सब्जी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो आज मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नई और इजी रेसिपी के संग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।